साइकिल वाले इकट्ठे हो रहे हैं तो सारे और दो सामने चले गए केरला से हमारे में बस दो की में ये मोटर लगी है, बाकी सारे साइकिल वाले 4 महीने हो गए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। सो गाइस देखो, मेरे पीछे आपको हनुमान जी की मूर्ति दिख रही होगी। रात हमने ना इसी मंदिर में कैंपिंग की थी, अंदर की साइड यहाँ पर हमने की थी कैंपिंग। और भैया बाइक हमने लगा दी थी उधर गैराज में, वहाँ पर बाइक लगाने के बाद में भैया अभी हमने यहाँ से सारा सामान समेट करके ना, वो पीछे आपको दिख रही होगी बाइक, अभी दिखवाता हूँ। वहाँ पर हमने सामान सारे का सारा फिट कर दिया है और निकलने के लिए हम रेडी हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज की जो वीडियो होने वाली ना वो होगी अपनी कटरा की, क्योंकि आज हम मतलब लद्दाख राइड पे जाने से पहले ना सोच रहे हैं क्यों ना माता रानी के दर्शन कर लिए जाएं। तो पहले माता रानी के दर्शन करते हैं और आपको वैष्णो देवी में कितना रश है और कितनी भीड़, मतलब जो नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं ना आज से, तो आज से भीड़ स्टार्ट हो गई होगी, तो वो भीड़ कितनी है। और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तरह के 50 लाख बोलते हैं 50 लाख के अराउंड उस पर फूल वूल से सस्ता है मंदिर। ये खड़ी अपनी धन्नो और दूसरी बाइक यहाँ खड़ी है और भैया यहाँ से अब निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बस ये समझ लो सामान बांधने के बाद बस 5 मिनट के लिए रुकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ, सीधे का सीधा मिलूँगा आपको सीधा अपनी बाइक पर। तो चलो गाइस चलते हैं फिर, 5 मिनट के चक्कर में ना लगभग 1 घंटा हो गया मैं यहीं बैठे, अब टाइम हो गया ज़्यादा। और मंदिर रहा पीछे, लेके प्रभु का नाम जय बजरंगबली, निकलते हैं यहाँ से। तो भैया आज जो अपनी डेस्टिनेशन होने वाली है ना, वो डेस्टिनेशन होगी आज की कटरा। पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद में फिर निकलेंगे हम लद्दाख के लिए। तो भैया ये सीरीज बहुत ही तगड़ी होने वाली है। जो कोई भी चैनल पर पहली बार आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो जो कोई भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप लद्दाख से रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आपको आगे। सो गाइस ये देखो मेरे पीछे की लोकेशन कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ पर एक ब्रिज है ना, ये देखो ब्रिज है। इस ब्रिज पर सोच रहे हैं क्यों ना यहाँ से ड्रोन शॉट लिए जाएँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं और आपको हम इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे ड्रोन शॉट। सो गाइज ड्रोन शॉट भी लिए और ड्रोन शॉट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइज इस जगह से जहाँ से ये जम्मू बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है ना, यहीं पर आकर के आपके मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाएंगे। यहाँ से आगे आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन के नेटवर्क आएंगे या फिर यहाँ की जो लोकल सिम होती हैं उनके नेटवर्क्स आएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना अगर आप बाइक से या कार से आ रहे हैं तो। सो गाइज आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैष्णो देवी में कितनी भीड़ होने वाली है। जिस तरह की ये टोली दिख रही है ना बाइकों की, ये एक पीछे दो तीन
चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस बाइक हैं ये। इससे भी बड़ी बड़ी टोली हमें मिल चुकी है कल रात में। तो ये आप देख लो कितनी ज़्यादा लोग होंगे ये, और सारे के सारे यूपी वाले हैं ज़्यादातर। यूपी 85-84 इस टाइप के ही हैं, मतलब इस टाइप का ही नंबर है सबकी बाइकों पे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैष्णो देवी में कितनी भीड़ होगी यार। मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं नंबर भी आएगा मेरा नहीं आएगा, दर्शन कर भी पाऊँगा माता के नहीं कर पाऊँगा यार। लेकिन माता ने अगर मुझे बुलाया है ना तो भाई, मतलब बुलावा ही है यार ये, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कश्मीर गया था तब भी नहीं करके कर पाया था। लेकिन इस बार मैं करूँगा दर्शन तसल्ली से, और आपको भी करवाऊँगा। और भैया सपोर्ट बनाते रहना भैया, जो कोई भी यहाँ तक पहुँच गया इस वीडियो तक और आप माता रानी को मानते हो तो जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को। लखनऊ अमृतसर लद्दाख लखनऊ, भाई वाह। रेस्ट हो गया बीच में, और थोड़ा बहुत दिक्कतें भी आई तो टाइम लग गया। मेहनत कैसे कर रहे हो? सब हो जाता है। 15-20 किलोमीटर पहले पठानकोट से आगे। स्लीपिंग बैग कौन सा लिया हुआ है? स्लीपिंग बैग कौन सा लिया हुआ है? स्लीपिंग बैग अभी नहीं लिया हमने। तो फिर रात को जब आगे निकलोगे तो ठंड ठंड कैसे रुकेगी? लद्दाख वगैरह जाओगे तो वहाँ ठंड कैसे रुकेगी? वो अभी लेंगे ना, श्रीनगर से लेंगे। अच्छा अच्छा, अभी तो ज्यादा ठंड नहीं हो रही है, और थोड़ी बहुत ठंड हो रही है उसके लिए हम डेली मिनिमम है 60 किलोमीटर, और अभी तक 135 तक निकाला है। डेली 60 किलोमीटर? तो ये जो अपना YouTube चैनल है कितने सब्सक्राइबर हो गए? होंगे 200-300। नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई वो शर्माने वाली बात नहीं, हमारे कौन से ज्यादा है, हमारे भी इतने ही है सबका यार। धीरे धीरे हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेहनत करते रहो, हो जाएंगे यार। तो भाई लोग देखो, तीनों के जिस किसी के भी जिद, ये है इनका है अंशुल कुशवाहा ब्लॉग्स, और उनका है ट्रैवल विद संजय पाल, और उनका अमित कुशवाहा ब्लॉग्स। तो भैया जो भी हो इनको सब्सक्राइब कर लेना यार, मदद करो इनकी भी। बेचारे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, लखनऊ से साइकिल चला के लाए, हम तो चलो फिर भी बाइक से हैं। अच्छा, क्योंकि हमने सोचा करते हैं, अभी तक यूपी से साइकिल से कोई भी बंदा लद्दाख नहीं गया, वी आर द फर्स्ट जो लद्दाख जा रहे हैं साइकिल से, वो भी फर्स्ट में। अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुआ लद्दाख, हम तो सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट है। नहीं, हम लोग यूपी के फर्स्ट है जो साइकिल से लद्दाख जा रहे हैं। मैं वो तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन लद्दाख में अभी एंट्री है नहीं। हम सोच रहे हैं कि बाइकर्स क्योंकि हम फर्स्ट होंगे, लेकिन हमसे पहले आप ही जा रहे हो। ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू ब्रदर। लगे रहो यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 200-300 तो कोई मतलब नहीं होता। अरे हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे। जब यूट्यूब को तुम पे तरस आएगा ना तो अपने आप बढ़ा देगा। क्यों अंकल जी? देखो हमारा काम है मेहनत करना, फल की इच्छा मत करो। आप लोग कहाँ पहुँच गए? हम अभी तो फिलहाल माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, फिर लद्दाख वगैरह जाएंगे। हाँ बर्फ तो मिलेगी अभी, बच्चे भी जा रहे हैं क्या? ये सब वहीं जा रहे हैं। आप लोगों को तो सामान है ना, सब अभी लेंगे। अभी तो यहाँ तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे दिक्कत, अब एक्चुअली लगेज का वेट है, लोग पहले से चले हैं, अगर बूट पता वो भी चाहिए ऊपर उतने ये वाले बाबू। जो स्लीपिंग बैग है ना, स्लीपिंग बैग, आप स्लीपिंग बैग लेना श्रीनगर से, उससे पहले एक आध जगह रूम ले लेना। अभी तो फिलहाल तो रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें जैसे ही तुम उसे पार करोगे ना, जब माउंटेन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तुम कश्मीर के अंदर एंटर करोगे, तब हो सकता है तुम्हें लेने की जरूरत पड़े रूम, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये वाले काम कर रहे हैं, फिर नहीं करेंगे काम ये वाले। बाकी तुम कब तक पहुंचोगे लद्दाख? अभी तो टाइम लग जाएगा हमें, अभी वैष्णो देवी जाएंगे हम लोग, कम से कम तुम्हें 20 दिन लग जाएंगे। हाँ, लग जाएगा। इतना हम पहुंच लेंगे केदारनाथ। नहीं वो अच्छा है, उनका अपना साथ में। हाँ सही है, साथ में मन भी लगा रहता है इससे, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया यार, हमने तो कभी सोचा भी नहीं साइकिल चलाने के बारे में यार, तुम तो इतनी हिम्मत कर भी रहे हो भाई। वाह सोलर, और ये भैया ऑल इंडिया चल रहा है भैया इनका साइकिल से, ये ऑल इंडिया चल रहा है इनका।
साइकिल साइकिल वाले इकट्ठे हो रहे हैं तो सारे और दो सामने चले गए केरला से। हमारे में बस दो की मैं मोटर लगी है, बाकी सारे साइकिल वाले। चार महीने हो गए ये लोग गए थे नॉर्थ ईस्ट और मैं गया था साउथ, आज इधर दोनों मिले, मिल गए आपस में। मतलब कोई पैसा कैसे गले मिल के लगे, गले गले मिले बंगाली मिल के। मैं इन लोगों के साथ आ रहा था दिल्ली से, इन लोगों से मुलाकात हुई, मैं आ रहा था, मेरा भी साढ़े चार महीने ऐसा हुआ है साउथ कवर करने। अच्छा अच्छा, अभी जा रहा हूँ, अभी इन लोगों के साथ जाऊंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि ये उधर केदारनाथ भी करेंगे ये। अच्छा केदारनाथ तो हम भी जाएंगे जैसे स्टार्ट होगा ना, मैंने बुकिंग कर रखी है। हाँ हाँ पहुँचना तो है ही है, लेकिन आपकी हिम्मत है भाई, हमारे बस की बात नहीं है। ये बैटरी सब मिलके 1500 में है, ये दो मोबाइल आराम से चार्ज कर सकते हैं। सही है, ये बिजली का कोई टेंशन ही नहीं है। एक्चुअली ये है 10। तो आपके पास में अपने स्लीपिंग बैग वगैरह सब है? मेरे पास सब कुछ रखा है, मैं इससे पहले जैसे तैसे करके वो साउथ बहुत डिस्टेंस हुआ, अभी देखेंगे इस तरफ क्या। यहाँ ना हो सकता है तो मैं श्रीनगर में ना स्लीपिंग बैग महंगे मिले। ये देख रहे हो ये वाले, ये -30 तक के हैं। ये आपका -30 तक है? -30 तक के हैं, मैं कह रहा हूँ 15 तक तो काम करेंगे। ये आपका कितना लिया था? 1900 रुपए का। 1900 रुपए का? हाँ। कहाँ से? -5 टू माइनस -5 से -30 डिग्री। मैं कह रहा हूँ अगर इसने 30 लिख रखा है 15 तो काम करेगा है ना, 15 तक तो काम करेगा ना। रात मैंने इसे जरा सी देर के लिए ओढ़ा था, मैंने उतार के फेंक दिया, गर्मी लग गई थी इसमें मुझे। कहाँ से लिया है? ये दिल्ली से। मेरी वीडियोस देखोगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा, वो तो कोरियर भी कर देते हैं घर पे। अच्छा, वो दिल्ली में जो उनका वो विनायक का सेल्स करके एक शॉप है, मैंने कल परसों वीडियो डाली है उसकी। -30 वाला अगर लेने जाएंगे ना -20 के आसपास डिकैथलॉन का, कम से कम 8 से 10 हजार रुपए से ऊपर है। ये मेरा कंपनी, वो कंपनी के नाम का मैटर है सारा। ये मेरा -5 तक काम करेगा, उससे नीचे नहीं। -5 तक काम करेगा? हाँ, तो वही है ना, जब उसमें जाओगे ना लद्दाख में, हमारा तो ये हमने तो सोच रखा है जहाँ अगर हमें नहीं मतलब कहाँ रुकना है, जहाँ देखा इलाका वहीं रोक देंगे। ऐसे जो कहते तो हम लोग उन लोगों को यही पैसे देते कि साथ रहने के लिए कोई धर्म नहीं लगता है, अगर लगेगा तो इंसानियत और मोहब्बत लगेगा। अगर ये चीज़ होगा तो कोई भी धर्म के इंसान कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी वो रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे कि हम लोग भाई देखो मेन चीज़ है वी आर इंडियन एकदम है ना, और इस चीज़ पे हमें गर्व है, इंडियन है ना। नहीं तो आप पाकिस्तान को देख लो क्या हालत हो रही है उसकी, भाईचारा नहीं है ना वहाँ, यहाँ है भाईचारा, ये तो नेता लोगों ने बर्बाद कर रखा है। एकदम राइट। तो हम लोग यही मैसेज देते कि घर के अंदर में जब तक आप हो तब तक धर्म, घर के बाहर आप निकले तो सिर्फ ओनली इंडियन। पेड़ भी हम लोग लगाए हैं, अभी 6 हमें 1 लाख पेड़ लगाना है, तो अभी फिलहाल 7000 है, तो अभी फिर इसके बाद दोस्त लोग भेजेगा दिल्ली में हमें पेड़, तो वो लोग भेजते रहते हम लोग लगाते रहते। अभी मेरे पास 1200 के तेरे पेड़ अभी बने, दिल्ली तक मैं टांगूंगा, उसके बाद फिर दिल्ली में वो लोग बीज भेजेंगे, मेरे को जाति भी करके 1 लाख पेड़ मेरे को लगाना है। बहुत बढ़िया भाई, टारगेट लगाना ही है। अभी बिहार से आया, देखिए उधर पे बॉम्बे में वो पेड़ के लिए कुछ लिया हुआ है, यूपी से आया देखा जल जीवन हरियाली, मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने लिया, और यूपी में बिहार में हमको देख के बहुत अच्छा लगा, क्यों पेड़ गवर्नमेंट ने जो लगाया है, मतलब एक से करके हम लोग कहीं लगा नहीं पाए, एकदम जितना भी हाईवे है उसका बगल से एकदम बहुत बहुत पेड़ लगा। नॉर्थ ईस्ट में तो बाप रे हमें घेर लिया जाता था, नॉर्थ ईस्ट भैया 20 दीजिए थोड़ा, भैया 20 दीजिए थोड़ा, भैया 20 दीजिए हमें सबसे ज़्यादा ग्रीन देखना है, ग्रीन। तो भाई एक बार नॉर्थ ईस्ट जाओ आपको, मतलब ग्रीन देख देख के ना आपका आंख एकदम शांत हो जाएगी, ग्रीनरी आपको ग्रीन देखना है, लोग बोलते हैं केरल में ग्रीन है, जाओ नॉर्थ ईस्ट। अब जब आप लद्दाख जाओगे आप ढूंढोगे ग्रीनरी कहाँ है, आप ढूंढोगे ग्रीनरी है कहाँ। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं सितंबर में होके आऊँ लद्दाख अभी, तो ये समझ लो रात को ना अगर मुंह पे कपड़ा रख लिया ना तो सांस नहीं आती, उतारना पड़ता है तब आती है, मतलब इतना हाँ ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। जब आप भैया नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना, समझिए आपको भूख लगा, कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है,
आप कोई भी घर में खाना मांगेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, तो गाइस यार बहुत अच्छा लगा यार इन लोगों से मिलके। पहले तो ये दो भाई, हमें लगा कि दो साइकिल वाले हैं, लेकिन अचानक से पीछे से तीन साइकिल और आ गई, और इनमें ना एक जो बंदा है हिंदू है, एक मोमडन है, और ये मतलब कह रहे हैं कि हम काफ़ी जगह मंदिरों में भी दर्शन करके आ चुके हैं। भाई कह रहे हैं कि यार उससे कोई मतलब नहीं होता कि क्या नाम है, और मतलब जो हिंदू बंदा है वो मस्जिदों में गया है इनके साथ में, और जो मोमडन लड़का है वो मंदिरों में भी होकर के आया है, और बोल रहे हैं भाई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम हो जाते हैं वी आर इंडियन, मतलब वो कह रहा है कि वी आर इन इंडियन। मैंने कहा ये बात सही है, और दूसरी चीज़ बोल रहा है बहुत अच्छी, जो वो आगे खड़े थे राइट साइड में, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आप अगर वो डिवोर्स वाला रेशियो देखोगे ना, परसेंटेज देखोगे, तो बहुत ज़्यादा है कोलकाता की साइड। क्यों? वहाँ के लोगों को ना घूमना होता है, और जो वाइफ होती है वो कहती है कि मुझे हर साल में एक बार कुछ खिलाओ मत खिलाओ, लेकिन साल में एक बार घुमाओ जरूर, अगर नहीं घुमाओगे तो इस चक्कर में तलाक हो जाते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं वो। अब वो पता नहीं मजाक में बोल रहे हैं यार सच्चाई है ये, वो तो आप मुझे, अगर आप कलकत्ता से देख रहे हैं या आपको पता है तो वो तो आप ही बता सकते हो कॉमेंट में मुझे कैसा है या नहीं है। सो भाई लोग फाइनली अपन लोग ना कटरा में एंटर करने वाले हैं। ये जो आपको दिख रही होगी, आप कभी आए होंगे तो आपको पता होगा ये बीच में एक टनल पड़ती है छोटी सी, इस टनल को पार करते के साथ ही मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कटरा ही आ जाता है। और तो इस टनल के अंदर का देखो व्यू ऐसा दिखता है, आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन ऐसा व्यू दिखता है टनल के अंदर। वाओ सिस्टम। और भाई पता क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे लास्ट टाइम लद्दाख के टाइम पे हुआ था ना, वैसा ही सेम हो रहा है। करवा रहे हैं ना तो इसमें मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बाइक को ज़्यादा लीन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो ना आगे से फिसल जा रहा है अगला टायर। अभी मैं गिरते गिरते बचाऊँ इसलिए धीरे चला रहा हूँ, ना ज़्यादा कर्व कर रहा हूँ मैं। और एक टनल हटी थी, दूसरी दिखाई दे गई अब। भाई साहब सिस्टम क्या ही गजब के नज़ारे हैं, मतलब और अंदर ठंडक हो रही है, इसके बाहर थोड़ी सी गर्मी सी है लेकिन अंदर ठंडक हो रही है, और बाहर निकलते ही साथ ये देख लो कैसा व्यू। वाई वाह। लो जी इस वाली से निकले, अब इस वाली में आप पहुँचे। ये भाई सिस्टम गजब गजब दिख रहा है यार यहाँ से तो, और मैं ना देख रहा हूँ कौन सी साइड किसकी है, वह खींच रहा हूँ मैं तो अपनी साइड से, मतलब नहीं किसी बात का, सब हमारी साइड है, क्योंकि दो टनल बनी हुई है एक साथ, आने की उधर से है जाने की इधर से है, जाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई वाह भाई, ये लो तीसरी खत्म हुई, ये तीसरी खत्म हुई, ये लो चौथी में एंटर कर देते हैं। ये लो यहाँ से ये टनल, हर पहाड़ जितने भी पहाड़ है ना कितने, तो ये सोचो इस टनल को मतलब इन टनल के होने की वजह से कितना कितना रास्ता बच गया होगा पहाड़ों का, या नहीं। ओ सिस्टम सिस्टम कर देंगे हैंग। भाई ये वाली थोड़ी सी लंबी है, ये थोड़ी सी लंबी है ओवरों से, जो पहली टनल थी उनसे थोड़ी सी लंबी है भाई सिस्टम। देखो यहाँ आने के बाद में सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जैसे वो आता है एकदम से फिर दिखाई देता, ओहो हम बाहर की दुनिया में आ गए हैं। भाई वाह। तो ये लो भैया कट गए हम कटरा के लिए, ये रूट है कटरा और वैष्णो देवी वाला, तो हम मेन हाईवे से कट गए हैं अब कटरा के लिए। और इधर आते के साथ ना देखो कैसी हरियाली से दिखनी स्टार्ट हो गई है, और क्लाउडी हो रखा है सारा मौसम, मतलब बादल ही बादल हो रहे हैं चारों तरफ, हो सकता है बारिश आई, लेकिन ऐसा हो ना मैं तो यही चाहूँगा, नहीं तो हमें आगे पहुँचने में दिक्कत होगी। जग
कल्याणी, माफ करना मेरी भूल।